लेटेस्ट और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकॉन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अविनाश और यहां पर Flipkart.com में होने वाले Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro की फ्लैश सेल को लेकर कुछ खास अपडेट निकल के हमारे सामने आए हैं। तो आज हम उसी के बारे में आप सभी से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम और आप कहते हैं चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर Redmi Note 5 Pro खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां पर कुछ सोर्सेस का कहना यह है कि जो उसमें डुअल कैमरा दिया हुआ है वो कैमरा नकली है। जी हाँ, और इसी के साथ यहाँ पर बोला गया है कि इसमें जो है जो भी ये कैमरा दिया गया है उसमें कोई हार्डवेयर मतलब कि नॉर्मल कैमरा ही है, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे है, जो पोर्ट्रेट मोड आता है जो भी होता है वो खाली सॉफ्टवेयर बेसिस पे है, ऐसा सोर्सेस का कहना है। ऐसा मैंने तो अभी तक ये मोबाइल चलाकर देखा नहीं है। तो जो भी सोर्सेस निकल के आई उसका ये कहना ये है कि इसका जो डुअल कैमरा है वो नकली है और यहाँ पर केवल एक ही कैमरा है जो काम करता है और जो दूसरा कैमरा है वो काम नहीं करता। तो आप एक बार जो है सचेत रहिएगा इस चीज़ को लेकर, और अगर किसी ने परचेज कर लिया तो एक बार आप जो है दोनों कैमरे के ऊपर उंगली रखकर चेक करके देख लीजिएगा। वो आप दिमाग लगा सकते हो किस तरह से उसको चेक करना है कैमरे को, दोनों कैमरे को। अब हम अपने आते हैं यहाँ पर जो भी हमारा अपडेट निकल गया है। तो पहला आप सभी को पता चल गया होगा कि आपने देखा होगा Redmi Note 5 Pro के बैनर जो चल रहा होगा Flipkart.com में, उसमें लिखा है कि COD जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि Redmi Note 5 Pro के लिए COD बिल्कुल भी अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। और Redmi Note 5 के लिए तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, मतलब कि Redmi Note 5 में आपको जो है यहाँ पर COD मिलेगा, लेकिन Redmi Note 5 Pro में यहाँ पर आपको जो है COD नहीं मिलेगा। अब अगर आपको यहाँ पर COD नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है वो तो है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो, चाहे आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से पे करो, क्रेडिट कार्ड से पे करो या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करो। इसी के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है जो कि है फोन पे के थ्रू, और एक यहाँ पर एक गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड में आपको करना कुछ नहीं, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और गिफ्ट कार्ड में पैसा कैसे ऐड करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, तो आप इसके लिए जो है YouTube में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनी हुई है जहाँ पर आप आसानी से सर्च करेंगे कि Flipkart में गिफ्ट कार्ड में पैसा कैसे ऐड करना है और कैसे उसके लिए जो है पे करना है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर शायद तक यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ गिफ्ट कार्ड एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे आप जल्दी से जल्दी पे जो है वो कर सकते हैं Flipkart.com में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कलर और वेरिएंट की। काफ़ी लोगों का यहाँ पर पिछले दो सेल में कमेंट आया था कि ये वाला कलर कब अवेलेबल होगा, ये वाला कलर कब अवेलेबल होगा, तो आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले वेरिएंट की बात करता हूँ मैं, Redmi Note 5 3/32। तो ये जो 3/32 वाला वेरिएंट है ये चारों कलर में अवेलेबल है अब Flipkart में, गोल्ड में, रोज गोल्ड में, ब्लू में और ब्लैक में। इसी के साथ यहाँ पर जो 4/64 वाला वेरिएंट है वो भी आपको चारों कलर में मिल जाएंगे, गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक और ब्लू। इसी के साथ यहाँ पर जो Redmi Note 5 Pro का 4/64 वाला वेरिएंट है जो कि करीब 14,000 करीब है कुछ शायद, तो वो भी आपको यहाँ पर चारों कलर में मिल जाएंगे, गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लू और ब्लैक में। इसी के साथ जो 664 वाला वेरिएंट है वो केवल और केवल अवेलेबल होगा ब्लैक कलर में। कई सोर्सेज का कहना था कि यहाँ पर ये जो मतलब कि 664 वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा Flipkart में, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन केवल और केवल एक ही वेरिएंट है ब्लैक कलर में। अब बात यहाँ पर करते हैं जो कि मेरे पिछले वीडियो में था Flipkart को लेकर यहाँ पर फ्रॉड। तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर इतने सारे कलर वेरिएंट होने के बाद भी अगर आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्कैम है। अगर इतने सारे कलर वेरिएंट में एक कलर वेरिएंट भी अगर आप लेने में असफल रहे तो कहीं ना कहीं स्कैम है। और इसी के साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी का निकल के आया था, ये पफिन ब्राउजर को जो मैंने ट्रिक बताया था उसमें, तो आप पफिन ब्राउजर यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअल वहाँ पर रिफ्रेश कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है कल का भी सेल यहाँ पर 11:59 में स्टार्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो अपनी अपलोडिंग स्पीड है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अपनी जो अपलोडिंग स्पीड है वो प्लीज 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 आप हाई रखिएगा। इसके लिए जो भी आपके एरिया में जो हाईएस्ट 4G स्पीड चल रहा है देख लीजिएगा किसमें, चाहे वो आइडिया हो, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, किसमें अपलोडिंग स्पीड 10-12 Mbps या उससे ज़्यादा दे रहा है, तो वो आप जो है लगा के रखिएगा और मुझे लगता है आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर पाएंगे। तो बस यही आपको बताना था यार। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हो, शायद दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे। तो बस ये छोटा सा अपडेट था जो आप लोगों को बताना था। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पसंद तो आया ही होगा। और इसी के साथ अगर आपके मन में और भी कोई शिकायत सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि बंदा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मेहनत तो कर रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए मैं अविनाश, मैं भी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।